से करीब 85,000 लोग जुड़ रहे हैं। और आपको ये भी बताते चले, जम्मू कश्मीर तथा देश के लगभग सभी IIT, IIM, एम्स व अन्य शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थी इस समय हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं, वर्चुअली जुड़े हुए हैं, और ये हमारे लिए बेहद गर्व की बात है। राज्यपाल महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं हमारे साथ आने के लिए, और उनके दिशा निर्देश जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी हैं, उनके द्वारा निर्देश दिए जाएंगे। मीना जी किश्तवाड़ जिले से हैं, कार्रवाई करेंगे, कार्य करेंगे, आज और हमारा प्रयास रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं वीणा जी। वीणा जी किस तरफ हैं आप? हाँ, देखा, देख लिया। हाँ वीणा जी नमस्ते। नमस्कार परम आदरणीय वीणा जी, जरा अपने विषय में बताइए, किस योजना मिली का लाभ मिला है, उसके कारण आपके जीवन में क्या लाभ हुआ है, जरा देशवासी आपको सुनना चाहते हैं। परम आदरणीय सर्वप्रथम आपको मेरी ओर से सादर चरण वंदना, और श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर जो आपके शुभ कर्मों द्वारा सफल हुआ उसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। मान्यवर, मेरा नाम वीणा देवी परिहार है। मैं जिला किश्तवाड़ के दूर दराज खेतर देवभूमि पाटर से बिलोंग करती हूँ। अठोली मेरे गांव का नाम है सर। मैं उज्ज्वला योजना की लाभार्थी हूँ सर। गांव का जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजरता था, जैसे गांव जंगल से लकड़ी काट कर लाना, चूल्हा जलाना, बहुत दिक्कत आती थी। माननीय महोदय, इस संबंधी ये चूल्हे का जो खाना बनाने की व्यवस्था थी, इससे जीवन की अस्वस्थता के बहुत सारे कारण उत्पन्न हो गए थे। माननीयवर, जब से केंद्र में आपकी सरकार आई, जो लाभ मुझे मिला उससे मेरे जीवन में एक नई रोशनी मिली। आज मैं उज्ज्वला जो मुझे कनेक्शन मिला है उसके द्वारा मैं आराम से अपने परिवार के लिए भोजन बना सकती हूँ, जो कि विद इन घंटे में काम सफल कर सकती हूँ। तो पहला लकड़ी क्या, लकड़ी बाजार से बिकती थी या आपको लकड़ी लेने के लिए जंगल जाना पड़ता था? जंगल से खुद जाना पड़ता था, खुद काट के लाना पड़ता था। तो अभी वो जंगल जाने वाला समय बच गया जी महोदय, चूल्हा जलाने का समय बच गया जी महोदय। तो उस समय का उपयोग क्या हो रहा है अब सर? आज हम क्या कहते हैं, हमारे परिवार में उसका उपयोग, जैसे हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय हमारा समय बहुत बचत हो जाती है, और हमारी स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं थी वो भी दूर हो गई है। और क्या लाभ मिला है आपको? मान्यवर, मेरे परिवार में आयुष्मान कार्ड प्रत्येक सदस्य का बना हुआ है। राम कृपा से अभी ऐसी नौबत तो नहीं आई है, किंतु पूरी आश्वस्त हूँ कि कभी भी कोई अगर आपदा आन पड़े तो मेरे मंत्री महोदय ने, मेरे प्रधानमंत्री जी ने मुझे एक उपहार स्वरूप दिया है, जो मैं पूरी यकीन से कह सकती हूँ कि मैं अपना उपचार 5 लाख के अंदर करवा सकती हूँ। भगवान से मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि माता वैष्णो देवी की कृपा बनी रहे, आप में नहीं पूरे जम्मू कश्मीर में कभी भी किसी को बीमारी ना आ जाए। धन्यवाद वीणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम नमस्कार जी, पुनः एक बार मेरा फिर से कोटि कोटि नमन प्रधानमंत्री में हो जाए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीणा जी। अब हम चलते हैं कठुआ जिले की कीर्ति शर्मा जी के पास। कीर्ति जी को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान के तहत लाभ मिला है। आज कीर्ति जी जम्मू में हमारे साथ यहाँ पंडाल में मौजूद हैं और हमारे साथ जुड़ रही हैं। कीर्ति जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद जी। मेरा नाम कीर्ति शर्मा है, समूह का नाम अयान है, तहसील बसोली डिस्ट्रिक्ट कठुआ की रहने वाली हूँ। समूह से जुड़ने से पहले मेरा कोई रोजगार नहीं था, मेरी कोई पहचान नहीं थी।
समूह से जुड़ने से मुझे अपने परिवार को, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का मौका मिला। समूह से जुड़ने से मैं अपनी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने में सफल रही। समूह से जुड़ने से पहले मेरा रोजगार नहीं था, मेरी आर्थिक स्थिति बड़ी कमज़ोर थी। समूह से 30,000 रुपये का लोन लेकर एक गाय लेकर अपना रोजगार चालू किया, जिससे मेरे महीने की आय जो ठीक हो गई। मैंने सोचा एक महीने एक गाय से रोजगार चल रहा है तो मैं अपनी समूह की महिलाओं को साथ में लेकर 3 गाय ली, जिसके लिए मैंने समूह से 1,00,000 रुपये का लोन लिया। वहां से मेरे साथ साथ मेरी समूह की महिलाओं का भी आत्मनिर्भर बनना और उनके परिवार को भी अच्छे से चलने का रास्ता मिला। मैं समूह से जुड़ने से पहले मेरी कोई पहचान नहीं थी। एक नारी शक्ति बनाने में मुझे ये समूह का बड़ा सहायता मिला है। मैं संकल्प है कि जैसे मैं आत्मनिर्भर बनी हूँ, वैसे ही मेरी समूह की सभी महिलाएं, जिले की सभी महिलाएं आत्मनिर्भर बने। समूह से आपके समूह में कितनी बहनें हैं? मेरे समूह में 8 बहनें हैं। और सब पशुपालन के ही काम में लग रही हैं कि और भी काम कर रही हैं? सर, पशुपालन के काम में भी लगी हैं और कोई बहनें उसमें सिलाई भी करती हैं। तो आपके बैंक से कोई लोन वोन लिया है आपने? हाँ जी सर, समूह से बैंक से हमें लोन मिला है, जिससे हमारा रोजगार बड़ा अच्छे चल रहा है। कितना लोन मिला बैंक से? सर, पहले हमने 3 गाय लेने के लिए 1,00,000 रुपए लिया था,